পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুড়িয়ার কেন্দা এলাকায় ধসের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ইসিএল এর পরিত্যক্ত খাদানগুলি থেকে কয়লা চুরি করতে গিয়ে ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। ইসিএল কর্তৃপক্ষ ধসে যাওয়া এলাকাটি ব্যারিকেড দিয়ে দিয়েছে। বন্ধ থাকা খোলামুখ খনিগুলির কয়লা স্তর কেটে নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। এদিন ধসের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। নমস্কার, আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের নিউজ দেখার পর একটা লাইক এবং একটা শেয়ার করুন। ভালো ভালো নিউজ দেখতে পেজটি লাইক করে দিন। क्या घटना क्या हुआ था? घटना कुछ नहीं हुआ, बोला धसा हमारा माइंस का फेस्टिंग है, फेंसिंग जो है फेंसिंग नहीं, डेंजर का फेंसिंग लगा रहे हैं आप लोग। हाँ, डेंजर तो फेंसिंग तो ऐसे होता है, जब बाहर वाला जो कोई घुसे गया नहीं। तो ये पैसे तो बहुत दिन से बंद है, पहले फेंसिंग क्यों नहीं किया था, आज ही क्यों? वैसे फेंसिंग तो हो रहा है, अभी देखिए फेंसिंग है, कंटिन्यू चल रहा है फेंसिंग। ये जो आज नहीं आज ही आज इधर हो रहा है, अब वो दूसरा दिन उधर हुआ है, ऐसे करके ये तो हो रहा है। वो तो फेंसिंग क्या हुआ, बट उधर तो खाली है। ठीक है, हम इतना जवाब नहीं दे पाएगा, वो हमारा बॉस का पूछिए। तो यहाँ पर ये गड्ढा कैसे बना, ये धसान कैसे हुआ, वो हम जवाब नहीं दे पाए। क्या इलीगल कोयला चलता था, उसके चलते हुआ है? देखिए, आप सांगबादिक है, हमसे ये सब मत पूछिए, हम क्या बोलेगा। यहाँ दो नंबर कोयला चलता था क्या, कोयला निकाला जाता था यहाँ? हम जानता रही है। আসানসোল থেকে সুব্রত অধিকারীর রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।